हम सातों के सातों सीट हराओगे इन्हें। हमें किसी बिरादरी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें भाजपा को देखना है कितनी बड़ी तोप है। कि आपका हाँ मना है तो बाबा भी आया था बेचारा, कोशिश कर गया वो भी हाथ जोड़ के चला गया। बिरादरी नाराज है तो मैं कहाँ जाऊँगा, मगर तू भी अपने मठ पर चला जी, हम तो लगी रहे। ये तो बाबा को भी हटाने की ताल में लग रहे थे, हम चैलेंज कर रहे हैं। ये बाबा को आपको हटा के तो देखियो, इनकी ईंट बजा बजा का गुजरात से गंजा आया ना, इसे गुजरे इस गंजे को गुजरात में बेचेंगे। और इस भाजपा को 2014 में हम लेकर आए थे लाठी डंडे खा के, और आज ये भाजपा इतनी बड़ी भाजपा होगी कि हमें दरकिनार करेगी। पश्चिमी यूपी में 22.5 लाख ठाकुर हैं, एक टिकट के नाम पर एक नहीं, और 22.5 में से अगर 22 लाख वोट पड़ी तो 22 की 22 लाख भाजपा की थी। और इस भाजपा को 2014 में हम लेकर आए थे लाठी डंडे खा के, और आज ये भाजपा इतनी बड़ी भाजपा होगी कि हमें दरकिनार करेगी। पश्चिमी यूपी से भाजपा इस बार एक भी सीट नहीं जीत रही। हाँ, इसे हम अपना वजूद बताएंगे। यो भाजपा ने जो एक यो जो भाजपा बार बार नुक है, हम बिरादरीवाद नहीं करते, हम बिरादरीवाद नहीं करते, तो सबसे ज्यादा ही भाजपा बिरादरीवाद कर रही। कह रहे हमने तो मुखिया ही बैठा के रखा है ठाकुर। मुखिया एक मुखिया को बैठाने से 22 लाख हुई तो मैं पश्चिमी यूपी का बता रहा हूँ ना। पश्चिमी यूपी में 22 लाख है, पूरी यूपी में 1 करोड़ से भी ज्यादा ठाकुर है। बाबा हमारा बना दिया, तो बाबा को भी हटाने की ताल में लग रहे थे, हम चैलेंज कर रहे हैं। ये बाबा को आपका हटा के तो देखियो, इनकी ईंट बजा बजा का गुजरात से गंजा आया ना, इसे गुजरे इस गंजे को गुजरात में बेचेंगे। हमने तो बुलाया था मोदी, मोदी की कैद में गंजा लुभामा आ गया, और इस गंजे ने तो सारे काम कर रखे हैं। उसी का तो दिमाग है। वीके सिंह जी गाजियाबाद से 5.5 लाख वोटों से जीते थे। हम मान रहे वीके सिंह में कुछ बुराई होगी, क्या वहाँ 5 लाख ठाकुरों में से एक भी कोई ठाकुर ऐसा नहीं था जिसे वो टिकट दे देते? जो गंजा इन्हें, हम किसी बिरादरी का नाम नहीं लेते, इन्हें बनियों को ही देगा क्या? ये बनिया आज लोग किसी की ताल पे नहीं आए, अब क्या हमारी ताल पाए? आप कहीं सिखा देंगे ठाकुर क्या चीज है? तो क्या मतलब ये जो लड़ाई है, क्या जाट वर्सेस राजपूत तो नहीं हो? जाट वर्सेस कुछ नहीं है, जाट बेचारे हमारा क्या बिगाड़े, जाट तो हमारे भाई है। कहा तो यही जा रहा ना कि जाटों को ज्यादा इस बार महत्वता दी गई है। केला बालियान जाट थोड़ी है, जाट तो हमारे साथ भी, हमारे गांव में नहीं, हमारे पड़ोस का गांव है, योरा जाटों का गांव है छबड़िया, हमारे साथ है, झिटकरी है, हमारे साथ है। केला बालियान जाट थोड़ी है, जाट तो यहाँ 1,30,000-40,000 है, वे हमारे साथ भी है। तो मैं अच्छा ये बताइए, जो ये महापंचायत है आज हो रही है, लाखों लोग सहारनपुर में भी इकट्ठा हुए, दोबारा भी एक बार कई लाखों के रूप में आप लोग इकट्ठा होंगे, क्या ब्रजभूषण को टिकट मिल सकता है इससे? देखिए टिकट तो इनकी इन्हें देने की मजबूरी बना देंगे हम। अब हमने अभी तो हम यहाँ 19 तारीख तक तो हम यहाँ हैं, 19 तारीख को जब यहाँ वोटिंग हो जाएगी उसके बाद हम गाजियाबाद जाएंगे, फिर तीसरे चरण में जाएंगे। जब लोग इस भाजपा का मटिया मेट नहीं करे, हम चैन से नहीं बैठे। हम सातों की सातों सीट हराओगे इन्हें। हमें किसी बिरादरी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें इस भाजपा को देखना है कि कितनी बड़ी तोप है। तानाशाही मतलब नहीं खेलेंगे, तानाशाही तो किसी की नहीं रही। ये तो है क्या बिचारे, ये तो बेचारे गुजरात से आए और यहाँ हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे ठाकुरों के बगैर। यहाँ राज नहीं होने का, यहाँ राज वो पार्टी करेगी, यहाँ पार्टी वो राज करेगी मैडम, जो ठाकुरों को साथ लेकर चलेगी, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेगी। सुनो तो काका जी, ये गुजरात से जो आए जिनकी बात कर रहे हो, यही भाषण में कहते हैं 125 करोड़ देशवासी अपने कहाँ है, तो 125 करोड़ में 19 करोड़ ठाकुरों को क्यों भूल रहे हैं? 125 करोड़ में 19 करोड़ ठाकुरों को क्यों भूल रहे हैं? कह रहे हमने राजनाथ सिंह को भी देखे दे रखा, क्या है? दे दिया राजनाथ सिंह को पहले गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी को पहले गृह मुखिया बना, सुन तो लो, राजनाथ सिंह को पहले गृह मंत्री दिया, अब क्या रक्षा मंत्री दिया, आप क्या नुकाएंगे चल बेटे तू भी बाहर जा, अब क्या उसे भी नुकाएंगे बेटे तेरी भी 72 साल की उम्र होगी तू भी बाहर जा। इनका ठाकुरों को बलगरा रहे, हाँ बलगरा तो ये रही है, पर हम आने के तो नहीं, इनके झांसे में नहीं आने के ठाकुर। अब कैसे मानेगा ठाकुर समाज? हमें चाहिए अपने भागीदारी बराबर की। हटा के मानेंगे क्या? पक्का 100% हटा के मानेंगे इन्हें। हाँ जी, लेकिन वो तो अभी आए थे यही सरधना में, सीएम योगी आदित्यनाथ भी, वो भी कह रहे थे कि परिवारवाद की लड़ाई जो है अमूमन तौर पर नहीं देखनी चाहिए। देखो इस टाइम पे गंजा पूरा मतलब पूरा चढ़ फड़ा रहा हूँ, उसने सोचा क्या था, हो गया क्या, वो पीएम बनने के ख्वाब थे उसके, गंजा गंजा बोलेंगे बाल आ जाएंगे खोपड़िया पे उनके, कोई बात नहीं हम उड़ा देंगे उसे, ये होती तू पीएम बनेगा। हाँ। इन सब ठाकुरों को साइड कर दो, जो बीच में कोई विपक्ष था बची ना। हाँ। ठाकुर योगी जी भी हैं। हाँ। योगी जी भी दावेदारी हैं। हाँ। योगीदारी के को ऐसा नंगा कर दो कि इसके साथ पे रहना पावे। हाँ। ठीक है जी, वो काम वो जो बाद में केवल योगी। हाँ जी, अच्छा तो मतलब तैयारी जो है सीएम योगी को पीएम बनाने की है, बिल्कुल पक्का भाजपा को हटा देंगे तो कैसे बनाएंगे?
भाजपा तो पार्टी तो बनती बिगड़ती रह रही है, जब मुखिया हमारा बन जाएगा तो पीएम भी हमारा बनेगा। सीएम के साथ रहेंगे हम, सीएम के साथ रहेंगे। पर आप इतना तो सीएम कह रहा है कि मान जाओ मान जाओ, अब उनके चुनाव तो नहीं है, ऐसे कैसे मान जाएंगे हम? ये बिरादरी पे है मामला, चाहे सीएम आओ चाहे कोई भी आओ या संगीत सोम आओ, ये मानेंगे ना? अब नहीं मानेंगे। हाँ तो क्या लगता है कि राजपूतों की ये नाराजगी विपक्ष को कहीं मजबूत तो नहीं कर देगी? नहीं, किसी को मजबूत करो, हम तो भाजपा को गिराना, जो भी उसे इस सीट पे मुजफ्फरनगर की पे बालान को हराओगा उसे सपोर्ट करेंगे सीधम सीध, चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे वो क्या नाम है कांग्रेसी हो या भाजपा का हो। लेकिन वो तो कह रहे ना यूपी में 80 में 80 हमारे आएंगे। अजी 80 में 80 कहाँ रह गए, ये तो मामला ही साफ हो गया, 80 कहाँ रह गए, ये तो 40 मिनट रहने की। राजपूत की बात की जाए तो उनके 80 आने भी कम लग रहे हैं। उनका तो 40 भी नहीं आने के, ये तो मुझे ऐसा लगा 10-20 में सिमट के एक तरफ होंगे। अभी तो देखते जाओ हो रहा क्या, अभी तो ये तो चिंगारी अब चली है, और यहाँ नहीं, ये तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में लो जाएगी। आपकी नाराजगी समझ ली, नाराजगी की वजह समझ ली, तो अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कैसे निकलेगा? भाजपा को घर भेज देंगे, जैसा लाए थे वैसे घर भेज देंगे। मना ले गई आपको तो? नहीं, अब कहाँ मना, तो बाबा भी आया था बेचारा कोशिश कर गया, वो भी हाथ जोड़ के चला गया, बिरादरी नाराज है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मगर तू भी अपने मठ में चला जी, हम तो लगी रहे। सही कह रहे। ठीक है तो देखिए, सबसे बात करी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं महा पंचायत के लिए जा रहे थे, रास्ते में इनको हमने रोका, बातचीत करी, तो देखिए नाराजगी की बात की जाए तो नाराजगी संपूर्ण रूप से बिरादरी को लेकर के है, और साफ तौर से भाजपा पर है कि भाजपा ने इस बार ठाकुर वोटों को, ठाकुर के प्रत्याशियों को नहीं खड़ा किया है, और ये नाराजगी तब तक चलती रहेगी जब तक भाजपा का 400 पार का नारा तोड़ करके भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देता है।